पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर हम सीपीएम को उखाड़ कर फेंक सकते हैं तो बीजेपी को भी हम ही उखाड़ देंगे। तो ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सीधे सीधे तंज किया है और कहा है कि हम सीपीएम को उखाड़ कर फेंक सकते हैं तो बीजेपी को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। ममता बनर्जी ताल ठोकते हुए नजर आ रही हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर अब सातवें चरण का मतदान होना बाकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के अंदर हम 3 से 80 तक पहुंचे हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर नतीजे चौंकाने वाले आने वाले हैं, वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सीपीएम को उखाड़ कर फेंक सकते हैं तो बीजेपी को भी हम हटा सकते हैं। आज भी याद रखना बांग्ला ही रहा है, इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। तो देखिए, इंडिया गठबंधन में केवल ममता बनर्जी नहीं है जो कह रही हैं कि वो बीजेपी को हटा सकती हैं, उखाड़ कर फेंक सकती हैं, बल्कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि मोदी कहते हैं वो अवतार हैं, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। ये लालू यादव की तरफ से कहा गया है और कहा गया है कि नरेंद्र मोदी अब गए। लालू यादव ने क्या कुछ कहा है चुनावी मैदान में, सुनिए जरा। अरे बात सुनो, मोदी बोल रहे कि हम अवतार हैं, अवतार पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। लालू जी, 4 जून को क्या होगा, सरकार हम लोग का बनेगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 के रण में केवल आखिरी चरण बाकी है, लेकिन उससे पहले बयानों के तीर खूब चलाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद चाचा बड़ा फैसला ले सकते हैं, नीतीश चाचा कुछ भी कर सकते हैं, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। और तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि 4 जून को सरकार बदलने जा रही है। रोहिणी आचार्य ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और बीजेपी को बेटियों से डर लगता है, ये तंज किया रोहिणी आचार्य ने, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी भी हैं और साथ ही चुनाव मैदान में सारण से हैं। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। के साथ आएंगे क्या? अब आप जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। चलिए, अरे 4 जून तक इंतजार करो, 4 जून तक इंतजार कीजिए। तो बेटियों से तो डर लगेगा ही ना, ये भाजपा वाले को तो डर लगेगा ही, क्योंकि बेटियां उनको आईना दिखाने का काम कर रही है। लास्ट फेज है चुनाव, कैसे देख रही है? सातवां फेज है चुनाव, बहुत बढ़िया, सारे जनता हमारे तरफ है। इस राक्षस राज को इस बार खात्मा होने वाला है। तो देखिए, बिहार के अंदर किस तरीके से तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव हुंकार भर रहे हैं।